वो भाई हमारी वीडियो बना रहा है, ये बाइक वाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार एक तो आज मंडे है और लॉन्ग वीकेंड था यार, जिसने मजे लिए ना, जो छुट्टी लेके अपने घूमने फिरने गए वो बढ़िया मजे है यार। बट यार हिमाचल और उत्तराखंड में अब तो है ही नहीं पॉसिबिलिटीज, इतनी बारिश वारिश आ रही, बाढ़ इतनी आ रखी, बहुत बुरा हाल हो रखा है उत्तराखंड हिमाचल में। काफ़ी जगह दोबारा फिर से वही फ्लड व्लड का सिस्टम बन रहा है, तो सब खराब हो रखा अभी वहाँ पे। बट यार एक बात देखने की है, एक तो मंडे जब जाते हैं ना ऑफिस यार, बड़ा थकान अजीब सा रहता है, मूड भी यार काम करने नहीं करता है। बट क्या करें, मजबूरी है हमारे पास। तो यार एक तो ले ऑफ चल रहा है, आपको पता है ले ऑफ का सिस्टम क्या है। बड़ी बड़ी कंपनी ने हजारों हजारों एम्प्लॉई निकाल दिए अपने, माइक्रोसॉफ्ट ने, एमडॉक ने, सब ने। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप ऑफिस पहुंचे, कंपनी बोले यार हम ले ऑफ कर रहे हैं आपको, आपको सेकंड के हिसाब से ऑफिस छोड़ के जाना पड़ता है, एग्जिट फॉर्मेलिटीज करके अपना। मतलब बहुत ही तगड़ा काम है, एज एन एडवोकेट मुझे सब देखना पड़ रहा है। लगता था बहुत बुरा है, लोग रोते भी हैं, सब सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। बट क्या करें, मजबूरी है, ले ऑफ बोल के सब कुछ मतलब एकदम से ख़त्म। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा, अगर किसी कोई अभी कोई भाई बंधु है जो कॉर्पोरेट सेक्टर से, जिसका ये हुआ है, तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना यार कैसे क्या फील होता है, और आपने उसके बाद कैसे क्या अपने आपको स्टेबल किया, कैसे संभाला अपने आपको अगर आप इस ले ऑफ का शिकार हुए हैं तो। बहुत बुरी चीज़ है वैसे, जिस कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम करता है उसी को पता है कि ले ऑफ का सिस्टम कितना बुरा है। और यार दूसरा, अब दो दिन से बुखार चल रहा है यार, सिस्टम खराब चल रहा है, सिस्टम ही खराब हो रखा है यार, क्योंकि जिम जा नहीं पा रहा हूँ। बड़ा बोरिंग सा लग रहा है जिम। एक बार जिम में आप पैर रख देते ना, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू नहीं जा पाते हो, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो अगला दिन बड़ा खराब जाता है कि यार मेरे को कल जिम जाना चाहिए था, नहीं जा पाया, बहुत बुरा हुआ। फिर आगे कोशिश करता हूँ एक दिन भी मिस नहीं करनी है, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि मिस हो ही जाती है। बट जिस दिन मिस होती है उस दिन वो बड़ा दिन बुरा फील रहता है उसमें, क्योंकि आप जिम जाने से एकदम से एनर्जी आती है और सब कुछ सारे बॉडी पार्ट रिपेयर से हो जाते हैं एकदम से ना, वो बढ़िया लगता है। और यार अभी ना कल मैं एक वीडियो देख रहा था अपनी गुरुजी की, टेक्निकल गुरुजी, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, सबको नाम पता हो, जो अपनी फोन आते हैं उनको प्रमोट करते हैं, फिर उनके बारे में स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि भाई कौन सा फोन बेटर है, कौन सा फोन ले, कौन सा फोन ना ले। तो उन्होंने कल एक फोन को लेकर एक बात बोली जो कि मुझे तो हजम नहीं हुई, अगर आप लोगों को हो जाए तो मुझे बताना एक बार, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। देखो यार वीडियो एक नया आ रहा है, मैं बनवा रहा हूँ, वो दुनिया का इकलौता आईफोन होगा जिस आईफोन के पीछे एप्पल वॉच होगी लगी हुई तेरी, और वो फोन से चार्ज होगी। क्या बात है, आईफोन वो 15 प्रो मैक्स जब आ जाएगा ना अभी, तो मेरे ख्याल से अक्टूबर तक मैं दिखाऊंगा बाद, वो सॉलिड बनने वाले हैं। कितने का बनेगा वो फोन भाई? बनेगा लाख एक डॉलर के आसपास। ठीक है, आप भी बनवा सकते भाई। नहीं नहीं, लेकिन अब मुझे बताओ कि अगर ऐसा हो सकता है, $1,00,000 बंदा खर्च करने को तैयार है, वो भी एक ऐसे फोन के लिए जिसमें घड़ी पीछे होगी, तो ये बंदा उस फोन को हाथ पे बांधेगा या फिर कैसे करेगा? क्योंकि वो फोन तो नहीं, घड़ी का काम ज्यादा होगा उसमें, तो फोन तो होगा ही नहीं वो, फिर वो तो मतलब कैसे एडजस्ट करेगा? बांधेंगे या फिर पॉकेट में डालेंगे या फिर उस फोन में सिम डाल के उसको यूज करेंगे? क्योंकि तो ऐसे रखा रहेगा उल्टा स्क्रीन की तरफ, फिर तो अगर घड़ी ऐसी होगी तो उसमें ऐसे रख नहीं सकते उसको। गजब की बात यार, मुझे एक बार इसका बताना कि ये बंदा सच में सच बोल रहा है या फेंक रहा है कि ऐसा हो सकता है या करूंगा फिर जो भी। यार मुझे तो मेरी तो समझ से बाहर थी ये बात कि भैया ऐसा करना ही क्यों है, फोन के पीछे घड़ी क्यों लगवानी है? जो एप्पल अलग से आपको दे रखा है फैसिलिटी अलग से एप्पल वॉच के लिए, तो आप फोन के पीछे लगवा लोगे? छोड़ो यार अपनी समझ से परे ये चीज, टाइट हो जाएगा ना थोड़ा सा तार से। तो फिलहाल चेक करो कैसा लग रहा फ्लैग अपनी गाड़ी, मतलब फील आती है यार फ्लैग लगने वाला गाड़ी के ऊपर ना, अलग सी फील आती है। ठीक है, 15 अगस्त की खुशी में लगा रहे हैं, बाकी रेगुलर लगाना तो लीगल नहीं है वो, बट लगा लेते हैं 15 अगस्त की खुशी में। यार तो किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और हाँ, ये गुरुजी की बात पे अगर किसी कुछ बोलना हो ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके ना मुझे बताना कि हाँ ये सच बोल रहा है। चलो यार आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर।